get low when the whistle go. तो हाय फ्रेंड्स, तो आज हम HID लाइट की अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये लाइट RTD कंपनी का है, ये M02E मॉडल है, 35 वाट का है। तो ये मैंने ईबे से परचेस किया है, ये करीब मेरे को 650 से 700 रुपये में गिरा है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फिर करते हैं इंस्टॉल। तो इसके बॉक्स पे लिखा है कि 70% लेस एनर्जी सेविंग और 50% इम्प्रूव्ड ब्राइटनेस और लाइफ स्पेन्स 30,000 आवर्स। और यहाँ पे भी लिखा है, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन की डायग्राम है, आप देख सकते हो। देखिए, ये इंस्टॉलेशन की डायग्राम है। तो चलिए इसे खोलते हैं हम। तो एक स्पंज है और ये है मैनुअल, तो इसे रखते बाजू में और देखते पहले बॉक्स में क्या है। तो ये है हमारी HID किट। तो और देखते बॉक्स में क्या क्या है। ये है अडेप्टर्स, आपकी बाइक में कौन सा अडेप्टर लगता है ये आपकी बाइक पे डिपेंड है। तो 150 में तो ये वाला अडेप्टर लगता है। ये अडेप्टर किस बाइक्स में लगता है ये तो मुझे मालूम नहीं। और ये है एक स्प्रिंग। तो बस, तो ये देखिए, ये हमारी HID किट। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इनपुट वोल्टेज 18 वोल्ट्स, आउटपुट पावर 20 to 40 वाट्स। और ये देखिए, ये हमारे 6 LEDs है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसके बीच में फ़ैन भी है, क्योंकि अगर ये गर्म होगा तो इस फैन से ठंडा होगा। तो ठीक है, तो ये देखते हैं मैनुअल। तो ये देख सकते हैं मैनुअल में क्या क्या लिखा है। इसे आप पढ़ के भी लगा सकते हैं, बिना पढ़े भी लगा सकते हो। तो देखिए, तो अब हम देखते हैं हमारे HID किट को टेस्ट करके। मैं आपको इंस्टॉलेशन भी दिखाने वाला हूँ, पर लेकिन पहले टेस्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ तो जापानीज में लिखा हुआ है, तो ये देखिए इसकी ब्राइटनेस। तो इसका पंखा भी शुरू हो गया है, ये डिप्पर है, लाइट बहुत ही गर्म हो रहा है। और आप देखते हैं इसका अपर, तो ये देखिए अपर में 6 लाइट शुरू हो गए, इसका बहुत ही ज़्यादा फोकस है। और इसके साथ ये फैन भी शुरू हो गए। तो ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं बिठा के। तो बिठाने के लिए पहले तो हमें ये अडेप्टर इसमें लगाना होगा। अडेप्टर लगाने के लिए यहाँ पे एक नट है, इसे हमें निकालना है। तो इसे निकालने के लिए पहले हमें ये निकालना होगा। और ये स्क्रू भी यहाँ से निकल गए। तो अब हम इसमें डालेंगे अडेप्टर, पहले स्प्रिंग डालनी होगी, फिर डालेंगे अडेप्टर।
तो मैंने इस अडेप्टर को इसमें अच्छे से फिट कर दिया, तो अब हम ये अडेप्टर करेंगे बाइक के हेड में फिट। तो ये है पल्सर 150 का हेड, आप देख सकते हैं। तो इसमें फिट करने के लिए हमें पहले इसे यहाँ से निकालना होगा। तो ये मैंने वायर निकाल दिया इसका, और अब हम निकालेंगे इस स्क्रू को। स्प्रिंग निकल चुके हैं, तो ये है हमारा पहला हेलोजन लाइट। इसकी जगह अब हम बिठाएंगे इस HID लाइट को। तो ये देखिए, तो ये इस तरह से बैठ गया है। अब हम लगाएंगे स्प्रिंग को। तो मैं इसे पहले लगा देता हूँ, फिर वीडियो वापस से शुरू कर देता हूँ। तो ठीक है, अब मैं आपको इसकी वायरिंग बताता हूँ हमें कैसे करना है। तो जो ग्रीन कलर का वायर है वो माइनस का वायर है, माइनस का वायर जाएगा इस कार जगह, और ये वायर, ये ब्लू वाली वायर डिपर का है, और ये ब्लू वाली वायर अपर का है। तो बस ये सेटिंग हो चुकी है। तो ये देखेंगे आप इसका फोकस। तो ये पहले मैं गाड़ी शुरू करता हूँ। तो ये देखिए अपर का फोकस, मोबाइल से इतना दिख नहीं रहा लेकिन इसका फोकस बहुत ही बड़ा है। और ये डिपर का फोकस, अपर डिपर अपर, इसका फोकस बहुत ही ज़्यादा है अपने आम हेलोजन लाइट से। तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, अच्छा लाइट है। तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।